Hello dear students of class 7, today I am going to explain you the poem 1, The Squirrel. Let's see. You may have seen a squirrel sitting on the ground, eating a nut. What did it look like? It is a poet's description of just such a squirrel. So in this poem, a poet has described about a squirrel sitting in his garden, watching the squirrel. यहाँ पर कोई भी डिस्क्राइब कर रहा है कि स्क्विरल क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है। He wore a question mark for tail. He means a squirrel. Wore a question mark for tail. You can see the question mark in the tail. It is like question mark. So poet कह रहे हैं कि मुझे तो स्क्विरल की टेल में question mark दिखाई दे रहा है, जैसे question mark लेके घूम रहा हूँ। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, बॉडी पे ग्रे कलर का एक कोट पहन के रखा है, ऐसा लग रहा है पोएट को। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, कितना स्ट्रेट बैठा है वो स्क्विरल नट खाने के लिए। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे खेलना भी बहुत पसंद है और टीजिंग करना यानी कि मजाक उड़ाना भी उसे बहुत पसंद है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, He went the other way. अगर वो मस्ती कर रहा है, अगर हम उसके आगे पीछे ट्री के आगे पीछे जरा सा भी दौड़ने की कोशिश करेंगे, वो वहां से भाग जाता है। This poem is written by Mildred Bowers Armstrong. So dear students, ये poem में poet क्या describe कर रहे हैं? Actually the poet है Mildred Bowers Armstrong, वो डिस्क्राइब करते हैं स्क्विरल को ऑब्जर्व करते हुए उनके गार्डन में। वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे स्क्विरल अपने बॉडी को ग्रे कलर से कवर किया हुआ है, कैसे अपराइट स्ट्रेट पोजीशन में है और किस तरीके से सीधा बैठ कर नट खा रहा है। उसकी जो पूंछ है वहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है उसका, चूंकि उसका जो बेंट शेप है उसके कारण। वो ये भी बता रहा है कि वो हमेशा हमारे साथ खेलता है। Whenever they ran around his tree, he would run to other side of the tree. The poet tells us about the nature of the squirrel, that is innocently naughty and likes to tease anyone who comes near him. Poet ये भी describe कर रहे हैं कि उसका nature एकदम naughty है। सबके साथ वो मेरे और मेरे friends के साथ खेलता है, और जब यहाँ वहाँ भागते हैं हम, तो वो छुप जाता है और हमको जैसे उसको प्ले करना और टीज करना अच्छा लगता है। तो ये थी स्क्विरल जिसके बारे में माइल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रांग ने लिखा, डिस्क्राइब किया। कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स अगर आप चाहते हैं कोई पोएम लिखना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।